नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहार तक। आरजेडी की राजनीति में रोज नए प्रयोग हो रहे हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि जो आरजेडी कभी लालू यादव के जमाने में एमवाई समीकरण पर थी, वह तेजस्वी के साथ आते हुए ए टू जेड पर आई और वो अब बीएच समीकरण पर आ गई है। आप सोच रहे होंगे कि ये बीएच समीकरण क्या है। बीएच समीकरण मतलब भूमिहार समीकरण। भूमिहार की राजनीति करना चाहती है अब आरजेडी। सिर्फ आरजेडी ही नहीं बल्कि जेडीयू, कांग्रेस और बीजेपी भी इस जाति को साधना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। जो जाति जातीय सर्वे में 3% से कम है, उसे लेकर आरजेडी इतनी चिंतित क्यों है। क्यों लालू यादव कांग्रेस के सदाकत आश्रम जाते हैं और श्री कृष्ण की जन्म जयंती पर भूमिहारों को लेकर संदेश देते हैं। क्यों तेजस्वी यादव भी भूमिहारों के लिए अपील करते हैं। क्यों बीजेपी अब आरजेडी से सवाल करने लगी है कि आरजेडी को क्यों भूमिहारों की याद अब आई। बिहार में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को बनाया, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि बिहार की बदलती सियासत में भूमिहारों को लेकर पूछ बढ़ गई है। इतना ही नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इसी भूमिहार जाति से आते हैं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर आरजेडी अपनी रणनीति को क्यों बदल रही है। आरजेडी के लिए क्यों लालू यादव ने कांग्रेस के मंच से कहा कि भूमिहार जाति को अब उनके साथ आना चाहिए। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हमने एमएलसी चुनाव में भूमिहारों को टिकट दिया, वो जीत कर भी आए और आने वाले दिनों में भी हम उनका यानी कि भूमिहारों का ख्याल रखेंगे, उन्हें टिकट देंगे, बराबर उनको हक देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ी। इसे मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि तेजस्वी यादव के इस राजनीति के पीछे की वजह क्या है, क्यों आरजेडी की पूरी राजनीति अब बदल रही है। दरअसल तेजस्वी के इस दाव के मायने आप समझिए। सभी जातियों को यह सोचने का रास्ता दिया गया कि अब कोई दल अछूत नहीं है। एमवाई समीकरण में सिमटी आरजेडी को व्यापक आधार देने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव। एमवाई के वोट पाने का सेचुरेशन पॉइंट आ गया, इससे और ज्यादा मत अब आरजेडी को नहीं मिल सकता। आरजेडी को यह भी लगता है कि मुस्लिम और यादव मत छिटक कर अब कहीं नहीं जाएंगे, यानी कि उनके साथ ही रहेंगे। ए टू जेड समीकरण के तहत मत प्रतिशत भी आरजेडी का बढ़ेगा। यह एक बड़ा पॉइंट है नए समीकरण में आने का तेजस्वी का। भूमिहार के लगभग 2% वोट का जितना भी प्रतिशत आरजेडी अगर काटती है तो उससे बीजेपी को वह दोहरा नुकसान पहुंचाएगी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। साथ ही लालू यादव का कभी एक तथाकथित बयान था, भूरा बाल साफ करो, उससे भी आरजेडी बाहर निकल पाएगी। आरजेडी जानती है कि भूमिहार का प्रतिशत काफी कम है, लेकिन वो भी मानते हैं कि बिहार की राजनीति में यह सबसे कन्विंसिंग पावर वाली जाति है। अगर यह आरजेडी के साथ आती है तो अपने साथ दूसरे वोटरों को भी लेकर आएगी। तेजस्वी यादव इन्हीं सभी वजहों से अब उन्होंने जो आरजेडी का नारा था एमवाई समीकरण, उससे ए टू जेड पर पार्टी आई और अब बीएच समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। इसे दूसरे तरीके से अभी आप ऐसे समझें कि बिहार में जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी को फिलहाल अगर अभी छोड़ दिया जाए तो इंडिया गठबंधन के तहत जो 3 बड़ी पार्टियां हैं आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू, इन तीनों पार्टी की कमान सवर्णों के पास है। आरजेडी की के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जगदानंद सिंह हैं, राजपूत जाति से आते हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं। कुल मिलाकर देखें तो बीएच समीकरण पर यह इंडिया गठबंधन है, यानी कि सवर्णों के समीकरण को साधने की कोशिश इंडिया गठबंधन कर रहा है। इसमें से अगर आप आरजेडी के जगदानंद सिंह को हटा दे तो 2 बड़ी पार्टियों की कमान जो है वो भूमिहार जाति के पास है। एमएलसी चुनाव में भी आरजेडी ने भूमिहारों को टिकट दिया, सवर्णों को टिकट दिया, 6 सवर्ण वहां से जीत कर आए। और अब जब तेजस्वी ने आरजेडी के मंच से यह कहा कि आने वाले दिनों में वो इस जाति का ख्याल रखेंगे, उन्हें बराबर जगह देंगे और सीटों में भी बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। अब यहां से यह देखना होगा, क्योंकि यह जाति का प्रतिशत कम है, लेकिन जो एक बड़ी बात
आरजेडी के फेवर में जाती है या आरजेडी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। एक कहानी भी थी कि लालू यादव से जब एक बार पूछा गया था कि आप रघुवंश प्रसाद सिंह को टिकट क्यों देते हैं या इनको अपने साथ क्यों रखते हैं, तो लालू यादव ने बड़े आराम से अपने अंदाज में कहा था कि भले ही रघुवंश बाबू राजपूत जाति से आते हैं लेकिन यह जाति इतनी कन्विंसिंग है कि यह अपने साथ दूसरे वोटरों को लेकर आती है, इसलिए हमें ऐसे नेता की जरूरत होती है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। और आरजेडी जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में महज कुछ सीटों से सत्ता पर काबिज होने से बच गई थी, अब यह गलती तेजस्वी यादव नहीं चाहते और लालू यादव वाले एरा से धीरे धीरे तेजस्वी यादव पार्टी को ए टू जेड की तरफ ले जा रहे हैं, जिसमें एम वाई समीकरण को छोड़कर अब सवर्णों को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ही नहीं बल्कि जेडीयू, कांग्रेस और बीजेपी भी चाहती है। तभी तो जैसे ही तेजस्वी ने कहा, बीजेपी की तरफ से जीवेश मिश्रा ने सामने आए। जीवेश मिश्रा ने यह भी कहा कि आज के दिन में अब लालू यादव को क्यों याद आ रही है या आरजेडी को क्यों याद आ रही है भूमिहारों की, यह एक बड़ा सवाल है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार तक पर ऐसे एक्सप्लेनर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।